हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन फंड पू मैं हूं पूजा और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट लिपस्टिक शेड्स तो अगर आपको भी लिपस्टिक लगाना बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी से कलर की लिपस्टिक्स लें कौन की ब्रांड से लें कौन सा फॉर्मूला अच्छा है और कौन सा नहीं अच्छा है तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियोस और अच्छी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली इनटू द वीडियो तो लिपस्टिक लगाने से पहले हमें सबसे पहले अपने लिप्स को हाइड्रेट करना चाहिए अगर आपके लिप्स ड्राई होंगे तो लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी तो मैं यहाँ लिप बाम यूज कर रही हूँ एम कैफीन का ये बहुत ही अच्छा बाम है आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज कर सकते हैं और इस बाम की सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है इसकी स्मेल तो इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी एकदम कॉफी वाली है तो ये बहुत अच्छे से मेरी लिप्स को हाइड्रेट कर देती है तो आपको लिपस्टिक लगाने से पहले एक चीज और करनी है बाम को आपको इस तरीके से थोड़ा सा निकाल देना है टिश्यू पेपर पे तो इससे बहुत अच्छे से आपके लिप्स हाइड्रेट हो जाते हैं और कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं रहता है तो सबसे पहले मैं लिपस्टिक यूज करूंगी ये प्लम की लिक्विड लिपस्टिक है काफ़ी अच्छी है इसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है तो सिनेमन पॉप इसका शेड है आप चाहें तो एक पेन लेके डायरी पर नोट कर सकते हैं तो इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से स्मूथली आपके लिप्स पे ये अब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका शेड है तो इसका शेड आप जो है ऑफिस वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं आप ऑफिस जाती हैं या फिर कोई और प्रोफेशन है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है इसका और आपके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाता है आपका ओवरऑल फेस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है इसका कलर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा है तो हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है नायका की लिक्विड लिपस्टिक तो नायका की ये रेंज बहुत पॉपुलर है और इसका शेड नंबर है बॉम्बे ज़ीरो वन एक पेन लेके डायरी पर ज़रूर नोट कर लीजिए ये शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अगर आप इसको खरीदती हैं ना तो आपसे ज़रूर लोग पूछेंगे कि आपने कौन सा शेड लगाया हुआ है तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था ये कलर तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बिल्कुल नेचुरल आता है आपके लिप्स पे इतना नेचुरल लगता है ना कि आप को लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ लिपस्टिक लगाई हुई है तो इसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रल कलर है और आपके फेस को बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाएगा आप देख सकते हैं अगर आप कॉलेज जाती हैं तो ये परफेक्ट शेड होने वाला है आपके लिए तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो हमारा जो अभी नेक्स्ट शेड है वो भी नायका की लिक्विड लिपस्टिक है तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है इसका शेड नंबर है चाय वन जीरो तो यानी कि आपको इसे नोट कर लेना है और आपको यही शेड खरीदना है अगर आपका मीडियम टू फेस स्किन टोन है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने वाला है तो मैं हमेशा ना पीच लगाती थी या फिर कैरबल न्यूड लगाती थी तो उससे क्या होता था ना मुझे चाहिए था कॉफ़ी न्यूड तो बहुत टाइम से ढूंढने के बाद मुझे ये शेड मिला है तो ये कॉफ़ी न्यूड है तो ये एकदम लग, ऐसा लगेगा ना आपने कॉफी शेड लगाया हुआ है बट ये बहुत ज्यादा ब्राउन टच में नहीं जाएगा कि ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा आपने कुछ बहुत ज़्यादा ही ब्राउन लगा लिया बहुत ही ज्यादा माइल्ड ब्राउन है और आपके लिप्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा बहुत ही लाइट वेट इसका भी फॉर्मूला है तो हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है कलाबार की लिक्विड लिपस्टिक तो ये सारी लिपस्टिक्स मैट हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है नॉन ट्रांसफरेबल हैं तो ये बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होंगे और उसका शेड बहुत ज़्यादा अच्छा है स्वीट मार्शाला है तो इसका जो है शेड मुझे बहुत पसंद आया था आपको अगर ऐसा पिंक चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा रानी पिंक ना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पिंक है तो गर्ल्स को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये शेड और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फॉर्मूला इसका भी है और इसका कलर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो कलर में इसकी ये है ना कि आपका फेस बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा ऐसा नहीं लगेगा आपने बहुत बोल्ड लिपस्टिक लगा ली है तो कुछ लोग पिंक कलर लगाते हैं और बहुत ज्यादा बोल्ड लगने लगता है बट उससे ऐसा कुछ नहीं होगा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा तो हमारा जो अगैन नेक्स्ट है वो कलर बार की फिर लिक्विड लिपस्टिक है तो ये दोनों शेड मैंने साथ में खरीदे थे तो इसका शेड नंबर है कैट सूट ज़ीरो फिफ्टीन इसका यहाँ पे मेंशन है आपको मे भी स्क्रीन पे नज़र ना आ रहा हो बट मैं आपको अलग से लिख दे रही हूँ तो आप ये सारे शेड नोट डाउन कर लीजिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है और अग, अगर आप न्यूली वेडेड अभी आपकी न्यूली वेडिंग हुई है तो उसके लिए भी ये परफेक्ट शेड है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है अगर आपका फेयर स्किन टोन है ना तो ये कलर आप पे एकदम कहते ना एकदम खूबसूरत लगने वाला है लोग आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने कौन सा शेड लगाया है ट्रस्ट मी मैंने भी जब लिया था ना तो काफ़ी लोग उसको तारीफ कर रहे थे तो हमारा जो नेक्स्ट शेड है वो है मामा आर्थ की बेरिडिक्ट मजेंटा तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रेंज है और मैं मैंने ऐसा पहले कोई लिपस्टिक ट्राई नहीं की थी इस कलर की तो ये कलर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डार्क कलर में है तो वैसे तो अच्छा लगता है बट ये अगर आप वेयर में लगाते हैं तो मे भी ये उतना अच्छा ना लगे ये पार्टी वेयर के लिए है थोड़ा सा डार्क है और जिन लड़कियों को बोल्ड कलर पसंद है ना वो जरूर ये लिपस्टिक लें तो मुझे ये लिपस्टिक अच्छी लगी थी बट मुझे उतने बोल्ड कलर पसंद नहीं है तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से थोड़ा सा ना है इस लिपस्टिक के लिए बट अदरवाइज अगर आपको बोल्ड कलर पसंद है तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें तो इसका फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सबसे अच्छी बात इसकी यही थी तो तो जो ये कलर फर्स्ट वाला है ये भी बहुत अच्छा है तो ये जो मैं अभी तीन आपको दिखाऊंगी वो न्यूड शेड है और जो नीचे दिखाऊंगी वो थोड़े से बोल्ड शेड हैं तो हमारे ये मिलता जुलता ही कलर है तो एक जो हमारा पहला वाला है वो थोड़ा सा पीछी न्यूड है और जो दूसरा वाला है ये नायका का बॉम्बे शेड है ये थोड़ा सा हल्का सा पिंक में जाता है बाकी ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं बट ऐसा नहीं है इज अज डिफरेंस दोनों में और जो हमारा नेक इसके बाद वाला ये शेड है तो ये हमारा कॉफी न्यूड है तो ये तीनों थोड़ा सा न्यूड शेड में है और काफी मिलते जुलते हैं बट आपके लिप्स पे ना ये बिल्कुल डिफरेंट लगने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है अगर आप न्यूड ट्राई करना चाहती हैं तो ये तीन न्यू ट्राई कर लीजिए आपको और कोई न्यू ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो हमारा जो अब ये सारी नीचे वाली लाइन में जितने भी मैं दिखाऊंगी ये थोड़ा सा बोल शेड है तो ये थोड़ा सा लाइट पिंक है बहुत ही प्यारा सा कहते हैं ना डॉल वाला पिंक है ये शेड मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और डेली वेयर के लिए तो परफेक्ट शेड है ये परफेक्ट आप कॉलेज जाती हैं आप आप टीचिंग में जाती हैं या फिर आप कोई और कंप्यूटर क्लासेस के लिए जाती है परफेक्ट शेड है तो हमारा जो ये वाला शेड है ये थोड़ा सा थोड़ा सा जो है डार्क कलर है बट अदरवाइज ये पिंक बहुत ही ज्यादा प्यारा है तो हमारा जो ये वाला शेड है ना ये मजेंटा बेलिडिक मजेंटा वैसे तो बहुत ही अच्छा है बट थोड़ा सा ये बोल्ड कलर है अगर आपको बोल्ड कलर अच्छा लगता है तो सबसे पहले बहुत बड़ा वाला थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए और हाँ आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे ही देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ आइकन को भी हिट कर दीजिए और सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर